Good, good, good. Your name? Haider Syed. From? Access Review. Good, good, good. तो सर आप मुझे ये बताएं कि एमएलए वारिस पठान है कौन? मैं इंडियन मुस्लिम हूँ जी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, यहाँ ही मैं पैदा हुआ और पढ़ाई की। कहाँ से पढ़ाई की आपने? मैंने कॉमर्स ग्रेजुएट हुआ लाला लाजपत राय कॉलेज से, उसके बाद में मैंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ किया, फिर मेरे फादर जज थे। अच्छा, तो आपका मतलब पहले से ये था कि मेरे को लॉ में जाना है? और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अच्छा, जैसे ये कहते हैं कि पुलिस का बेटा पुलिस बनेगा, एमएलए का बेटा एमएलए बनेगा, तो ये था कि ओके आपके फादर जिस फील्ड में थे उसी फील्ड को आपने? हाँ, उसी फील्ड को मैंने चूज किया, मैं लॉयर बना और प्रैक्टिस चालू किया, और उसके बाद में कुछ दो रुपये कमाया तो मैंने बैंड्रा में शिफ्ट हो गया। शादी पहला केस क्रिमिनल, मैं बेसिकली क्रिमिनल लॉयर था, क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस किया, उसके बाद मेजर बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस जो थे उसमें मैंने अपीयर किया है, और काफ़ी केसेस के अंदर मतलब अपीयर किया। ऐसा केसेस आया था जो काफ़ी डिफिकल्ट था या कोई मैनिपुलेटिव केस हो समथिंग? यस, एक केस है, आप गूगल पे भी है वो, एक जो टाटा का एक्यूज था अब्दुल हमीद बिरिया लैस हमीद चुआ, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया था, बॉम्ब ब्लास्ट का एक्यूज था, तो मैंने उसको मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेडिकल ग्राउंड्स पे उसको कोर्ट ने इंटरिम बेल दिया 6 मंथ्स के लिए, और वो काफ़ी फिर बाद में एक्सटेंड होता रहा, तो फर्स्ट ये ऐसा केस है जिसको मैंने इंटरिम बेल और मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल मिला। बेल आपने कभी सुना नहीं होगा, उस वक्त ये था, इट वाज हाइलाइटेड एवरीवेयर, इन न्यूज़पेपर में भी था काफ़ी, और काफ़ी केसेस की अभी केसेस की तो लिस्ट आई हैड अ वेरी गुड प्रैक्टिस। हाल ही में मैंने देखा था कि आपने नारियलवाड़ी में अपने ड्रग्स पेडलर को आपने किया था, वो कैसे हुआ था ये? मैं ड्रग्स के खिलाफ, हम सब जितने भी लोग हैं ये चाहते हैं कि हमारे देश से, हमारे स्टेट से, हमारी सिटी से ड्रग्स का मिनेश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये ड्रग्स का मिनेश होता क्या है मालूम है? जब पाकिस्तान जो है मुल्क, पिद्दी भर मुल्क है, अगर एक फूक मारेंगे तो वर्ल्ड के नक्शे से उड़ जाएगा, मगर उसकी एक साजिश क्या है, किसी भी तरह से हिंदुस्तान की जवान नस्ल को तबाह करो, तो उन लोग नार्कोटिक्स इस तरफ भेजते हैं, दिस इज कॉल्ड नार्को टेररिज्म, वन टाइप ऑफ टेररिज्म है, तो हमको इसको रोकना है। तो मैंने असेंबली में बोला, मैंने असेंबली में बोला था कि हमको अगर ड्रग्स को रोकना है बॉम्बे में, सिटीज में आने के लिए, स्टेट में आने के लिए, तो हमारे बॉर्डर को टाइट करना होगा कि बॉर्डर से आता है। उसके बाद अब जैसे आपने नारियलवाड़ी का बताया, नारियलवाड़ी एक कब्रस्तान है जहाँ पे पहले अंधेरा था तो सुनते थे लोग ड्रग पी रहे, तो मैंने लाइट लगा दिया सब तरफ, 37 LED लगाया। उसके बाद एक दिन एक मैसेज आया मुझे कि नारियलवाड़ी कब्रस्तान में कुछ लोग ड्रग्स पी रहे, वायरल हुआ। इमीडिएटली शाम को मैंने 6 बजे अपनी टीम के साथ उस जगह पे जाके रेड किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया बायकल्ला को, आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, मैं जा रहा हूँ। और हम गए वहाँ पर, तो एक हमको हैंडीकैप पर्सन बता रहा था अपने आप को, जो साइकिल पर बैठा हुआ था दाढ़ी वाला, पकड़ा उसको, उसकी तलाशी लिया तो उसके पास से चिलम मिले, चरस मिला, ड्रग्स मिला, हमने वहाँ पकड़ा। फिर हमारे लड़कों को हमने पॉइंट्स पे खड़ा कर दिया था, कोई भागना नहीं चाहिए पीने वाला। वहाँ से हमने 5 लड़कों को और गिरफ्तार किया जो ड्रग्स पी रहे थे उस वक्त, पुलिस के हवाले, हाँ पूरा पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, जो कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स मिला उनके पास उसको सीज किया। और फिर मैंने पुलिस को भी कहा, मैंने असेंबली में भी कहा कि सर ये ड्रग मैनेज को हमको ख़त्म करना है, पुलिस का काम है ख़त्म करना, पुलिस सुस्त है, लेकिन मैं तो हटाऊंगा। नार्कोटिक सेल्स को इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। अभी पिछले साल क्या हुआ, जो अब ट्रैक से रेलवे के सेंडर्स रोड टू वीटी जो बायकल्ला से झुके जाता है, वहाँ पे नाइजेरियन ड्रग्स पेंडर्स, नाइजेरियन ड्रग पेंडर्स रात को आते थे ट्रैक्स पे, ड्रग्स बेचते थे और चले जाते थे ट्रेनों के अंदर। हम लोग रात को जब वहाँ गए उनको पकड़ने, मैंने पहले CRPF को फोन किया, पुलिस को फोन किया, सब हम पहुंचे, उन्होंने पथराव किया हम पे, पकड़ने जाते थे तो वो अपने शर्ट उतार के भाग जाते थे रनिंग, फिर भी पुलिस कामयाब हुई, 2 जन को पकड़ा, शर्ट निकाल के ऑयल रहता है उनके बर्तन पे, अब पकड़ नहीं, वो फिसल जाएगा आपका हाथ, पुलिस क्या करेगी, भाग रहे हो लोग अंधेरे में, फिर भी पुलिस ने 2 को पकड़ा, तो वो 2 के जरिए फिर मीरा रोड में उनके काफी लोग अरेस्ट हुए। तो बिल्कुल, तो हर चीज में, यानी जहाँ भी आज भी मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे ड्रग्स बिक रहा है, मैं इमीडिएटली पहले पहुंच जाता हूँ, पुलिस आएगी बाद में, मैं पकड़ता हूँ, मारता हूँ पहले, देखो इसमें जो भी होगा, हमारी अगर नस्ल को बचाना है तबाही और बर्बादी से तो ड्रग्स को ख़त्म करना पड़ेगा हमको, जो बेचने वाला है उसके खिलाफ भी और जो
उसका यूज़ कर रहा है उसके खिलाफ, कि मैंने देखा है जो ड्रग एडिक्ट होता है वो खुद एडिक्ट नहीं होता है, उसके पूरे माँ बाप घर वाले परेशान हो जाते हैं। ये बहुत ही गंदा युद्ध इसके अंदर खराब होता जा रहा है। तो सीएम साहब ने महाराष्ट्र के फ्लोर ऑफ द हाउस में मुझे जवाब दिया कि वारिस पठान विद इन 7 डेज एक टीम फॉर्म करेंगे स्पेशली फॉर नारकोटिक्स, कमिश्नर के साथ मीटिंग करूंगा और हम सब मिलकर इस ड्रग्स बिजनेस को पूरे राज्य से खत्म करेंगे। आपने जो जिन लोगों को पकड़ा था पेडलर्स जो भी थे, ये इनसे इंटरकनेक्टेड लिंक कुछ मिला, मतलब ये और है जहां से इनको मिला? अब वो तो पुलिस के हवाले मैंने किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। अब उन्होंने जो एड्रेस दिखाया वहां जब पुलिस ने रेड किया तो कोई आदमी अवेलेबल नहीं था, उनको तो मालूम पड़ जाता भाग जाते। कब तक भागेंगे? जहां भी भागेंगे पुलिस अगर नहीं ढूंढ के लाई तो वारिस पठान ढूंढेगा और पकड़ के लाएगा, उनको सलाखों के पीछे डालेगा। क्या बात है? ये मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। इसी बात पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम जनता के। एक क्वेश्चन है, जैसे कि डोंगरी बायकल्ला और नागपाड़ा में काफी सारे मुस्लिम बच्चे ड्रग्स का शिकार हो रही है, उन लोगों को ड्रग्स के बारे में, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को कहाँ से मिल रहा है? वो भी बच्चे ही है। देखिए बात ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डोंगरी बायकल्ला यही मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया का, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में थोड़ा इसका ज़्यादा है। जहाँ कहीं भी होगा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मुस्लिम एरिया के अंदर पकड़ूंगा। अगर मुझे पता चला कि नॉन मुस्लिम एरिया में बिक रहा है, ऐसा मुझे काफ़ी फ़ोन आया, मुझे पता हो वो घाट के ऊपर से फ़ोन आया, घाट के ऊपर में एक एरिया है जहाँ पर नॉन मुस्लिम की बस्ती, बोले भाई यहाँ बिक रहा है, मैंने इमीजिएटली वहाँ भी एक्शन लेने को कहा। तो कहीं भी होगा ड्रग्स को हम ख़त्म करेंगे। देखो ये ओपन बात है, मैंने असेंबली में भी जो कहा, आपके सामने भी बोलता हूँ कि जो ये मुस्लिम मार्जिनलाइज एरिया कर दिया गया है, इन एरियाज के अंदर आप आज देखोगे तो स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स नहीं है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन ज़्यादा है, मार्जिनलाइज एरिया कर दिया है इनको, तो मुस्लिम आएगा कैसे आगे? आज सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, सब मुस्लिम्स में। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किधर है मुसलमानों को बताओ? 4% है, 4% पार्लियामेंट के अंदर है। आज महाराष्ट्र के अंदर इतने सारे 43 मंत्री बैठे हुए हैं, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो गया है कि एक भी ना मंत्री है ना जूनियर मंत्री है उसमें मुस्लिम। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही अगर नहीं होगा कौम का तो आगे बढ़ेंगे नहीं, और आगे नहीं बढ़ेंगे तो मतलब ये होगा कि फिर रोकेंगे कैसे मिनेस को? मिनेस को तो रोकना है किसी ना किसी तरह से ना। अगर हम इसको देखें कि ड्रग्स कैसे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो इस पे नज़र दौड़ाएंगे कि बंदा कौन दे रहा है। अभी जैसे आपने जिसको पकड़ा वो तो हैंडी है, अब एक अजम्पशन है, ओनली बेसिस ऑफ अजम्पशन। अगर हम देखें रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के अंदर जो भीख मांगते हैं, बच्चे की बात कर रहे हैं, वो रोकेंगे? जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उनका ये समझ लीजिए कि ये साइड बिजनेस है भीख मांगना। जो मेन चीज़ है उनको बताया जाता है कि ये प्लेटफॉर्म्स पे ये परमानेंट क्लाइंट है जिनको ड्रग्स डिलीवर करना है। तो जैसे एक हैंडीकैप है जहाँ तक, अच्छा बच्चे की हैंडीकैप है, ये क्या ड्रग्स करेगा, तो नज़र भी नहीं आती। तो फिर ये छोटे छोटे बच्चे जो भीख मांगते हैं, जो ईयरफोन्स बेचते हैं, वो अगर आप देखा जाए तो उनका तो फिक्स क्लाइंट होंगे वो साइड। अभी मैं किसी को पूछा था भाई, बच्चे को पूछा था कि कितना बेच लेते हो पूरे दिन में, ड्रॉइंग्स बेच रहा था, तो उससे बोला 2-3 पर बुक आती है 10 रुपये की, वो 3 बेचता है, 10 × 3 = 30, वो पूरा दिन का 30 रुपये कमाता है, बाकी का वो कहाँ से वो पूरा कर लेता है? कहीं ना कहीं तो उसका फिक्स क्लाइंट होगा, ये प्लेटफॉर्म ये से ये एरिया में जा रहा है, वो बच्चे के हाथ से डिलीवर हो रहा है। वैसे आपने कहा नाइजीरियन लोग है, नाइजीरियन लोग समझ में भी आते हैं। सरकार ने फॉर्म किया है NCB, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जिनका काम है नारकोटिक रिलेटेड जितनी भी ऐसी पदार्थ है उसको सीज करना, अरेस्ट करना, लोगों को जेल में डालना। अब ये तो इनको पता है, इनके पास मुंबई पुलिस इतनी सक्षम है कि इनके पास ऐसे इन्फॉर्मेंट्स है जो इनको इन्फॉर्म करते हैं, मगर कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आ रहा है कि पुलिस थोड़ी सुस्ती दिखा रही है। अगर एक्टिव हो जाए, एक्शन में आ जाए, एक भी नहीं बचेगा, तो मैं समझता हूँ कि एक भी नहीं बचेगा और पूरा मुंबई ड्रग क्लीन हो जाएगा, मगर पुलिस को करना पड़ेगा। मैं आज जा सकता हूँ, एक ही इसी बात पे एक सवाल और ले लेते हैं हम। कोई ये पूछ रहा है कि क्या ड्रग्स के खिलाफ इस जंग में मुंबई पुलिस आपका साथ दे रही है? दे रही है 100%. ड्रग्स के खिलाफ इस मुहिम में जब मैंने असेंबली में उठाया तो सीएम साहब ने भी खड़े होकर मुझे जवाब दिया कि वारिस पठान हम 7 दिन के अंदर अंदर एक टीम फॉर्म करेंगे, स्पेशल टीम जो ड्रग के मिनेस को ख़त्म करेगी, और कमिश्नर साहब के साथ भी मीटिंग करूंगा और इमीडिएट स्टेप्स लूंगा कि इस तरह की जो भी बेच रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो पुलिस भी कर रही है,
मगर पुलिस को थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए. जब इन्फॉर्मर आपको इन्फॉर्मेशन देता है आप चले जाओ अरेस्ट करो. या अभी कोई मर्डर केस हुआ हम फोन के लिए कॉल कर रहे कि यहाँ पे मर्डर हुआ, 15-20 मिनट के बाद, एक घंटे बाद पुलिस आ रही है, वो तो गलत है. इसलिए मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि कल मैंने एक हेल्पलाइन चालू किया है कि बारिश में जो भी लोग फंसे हुए हों बायकल्ला स्थित एरिया में, वो मुझे इस नंबर के कॉल करे, यहाँ से इमीडिएट सहायता दी जाएगी. 7 नंबर से उसमें सातों सात नंबर के ऊपर फोन आ रहे हैं हजारों, मगर कोई मस्ती मजाक कर रहे हैं. मलाल पिक्चर की टिकट मिलेगी क्या, मेरी सुबह पॉकेट घूम हो गई. ये ऐसे प्रैंक कॉल्स नहीं आने चाहिए. मैं बोलता हूँ कि जो जेन्युइन सीरियस है वो बताओ, हम उस पर एक्शन लेंगे. अब जो कॉल्स जो फेक है या प्रैंक कॉल्स है नहीं, उस पर क्या एक्शन ले सकते हैं. कर रहे हैं लोग अभी फ़ोन कर रहे हैं, करने दो. लेकिन अगर कोई ऐसा जेन्युइन आता है कि भाई बारिश में यहाँ फंस गए, तो फौरी तौर से मेरी टीम वहाँ पर जाएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट को हम कॉल करेंगे और इमीडिएट स्टेप्स उनको लेके उनको हेल्प किया जाएगा. ये करें, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपको. हम एक शख्स है वो कहते हैं कि आपको हम काफ़ी सारे डिबेट शोज में देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पर, क्या लाइक कोई मीडिया किसी चीज़ से लेके बायस है, कोई चैनल बायस है? देखिए मीडिया का तो आप, मैंने सब पूरी हिंदुस्तान बोल रहा है, मगर कोई तो होना चाहिए जवाब देने के लिए. वन साइड तो प्रोपोगेंडा नहीं चल रहा है ना. हम तो बोलेंगे, हक की लड़ाई है. आई फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन यू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, यू नो, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच हैज टू बी कंट्रोल्ड. आई यूज माई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आई एम कॉल ऑन अ डिबेट्स, आई गो देयर, एक्सप्रेस माई व्यू, एक्सप्रेस माई पार्टी स्टैंड, एंड द मैसेज इज गोइंग लाउड एंड क्लियर ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट शुड गो. अदरवाइज इफ यू नो आई कीप माई माउथ शट लाइक द अदर पर्सन, दे डोंट गो ऑन द डिबेट्स, देन वॉट विल हैपन? यू हैव टू गिव रीजनिंग्स. I am a born fighter. I fight, and that's why they call me on their debates. Yeah, और debates पे फिर आप जो कहते हैं उसको seriously लिया भी जाता है, लोगों तक बहुत बात पहुंचती भी है. बिल्कुल. तो debate का मतलब ही क्या है? जो आपके खिलाफ समझो किसी ने कुछ कहा है, किसी भी समझो कोई issue के ऊपर, आप जाके उसकी सफाई दो ना कि वो ऐसा नहीं है. ऐसा है तो जो मेरी पार्टी का लाइन है या जो मुझे लगता है उचित है वो मैं व्यू अपना जाके पेश करता हूँ. और लोगों के सामने पेश तो करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं चल सकता है. एक क्वेश्चन है, एक और. ऐसा देखा गया है कि हमारे मुस्लिम बच्चे पढ़ाई लिखाई को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है. देखो जैसा मैंने बताया है कि ये तो तीन तीन कमेटी की रिपोर्ट भी बोलती है, सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, मिश्रा कमेटी. उन्होंने कहा कि यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए. एम्पिरिकल डाटा है इस चीज़ का. एम्पिरिकल डाटा होने के बावजूद भी सरकार से मांग के थक गए मगर रिजर्वेशन नहीं दिया. मुंबई उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने कहा कि यू कैन गिव रिजर्वेशन 5% इन एजुकेशन. वी हैव बीन टाइम एंड अगेन रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट ऑन ऑल फोरम्स, वेदर इट इज अवर स्पीचेस और इन द असेंबली और एवरीवेयर, वी गिव रिप्रेजेंटेशंस, बट द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग इट सीरियसली. सी, आई एम नॉट आस्किंग रिजर्वेशन फॉर माई सन. वारिस पठान इज आस्किंग रिजर्वेशन फॉर दोज पेरेंट्स, फॉर दोज चिल्ड्रंस हु वॉन्ट टू बिकम IAS, IPS officers, who shoulder to shoulder and give a good name to the state and the country. They also have an aspirations. Why should reservation be given to them? So I'm asking reservation for them. But Modi says, Sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas. Woh ab ho gaya khokla. Dekho, aapne Marathaon ko reservation diya. I have no objection. Magar Musalman samaj ko nahi diya, dhangar samaj ko nahi diya. और आप एजुकेशन में क्या दे रहे हो? हमने कहा कि लड़कियों को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप्स दो, वो सरकार नहीं दे रही है. तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है, एजुकेशन बैकवर्डनेस है, तो उसी रीजन से ये सब मल्टीपल रीजंस है जो उसको सपोर्ट करता है. ये हाल ही में भी एक इशू हो गया था कि बच्चों को फ्री दिया जा रहा है, फिर आपने की बात किससे पूछी? सारे पेरेंट्स मेरे पास आए 90 बच्चों के. अच्छा, 90 पुरानी में 450 थे ना, 450 स्टूडेंट्स. ओके, 450 को फेल किया था. अच्छा, 450 को फेल मतलब फेल, और आगे बढ़ने भी नहीं दिया, बोले एग्जाम में बैठने नहीं देंगे उसमें से. बराबर है, मेरे पास सब पेरेंट्स आए, ना इंसाफ ये. तो मैं बोला ठीक है, तो बेइंसाफी है. कॉलेज का मैंने वो मंगाया सर्कुलर, देखा क्या प्रॉब्लम है. फिर मैं गया जब प्रिंसिपल के पास, मैंने उनको समझाया कि क्या फेलियर है, तुम्हारा बायोमेट्रिक फेल है, तो तुमने उसको एब्सेंट दिखा दिया. कितने स्टूडेंट्स को इस वजह से तुमने बैठने नहीं दिया, कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे
जब उनको समझाया, वाकई में प्रिंसिपल पूरा, उनके जो ट्रस्टी सब बैठे थे मेरे साथ में, सब ने एक मीटिंग लिया। मीटिंग के बाद डिसाइड किया, नहीं वारिस भाई यू आर राइट, इट वाज अवर टेक्निकल एरर कि हमने इनको प्रमोट नहीं किया, फेल हुआ। और इमीडिएटली 450 बच्चों को उन्होंने प्रमोट किया। आज वो 450 बच्चे जिनका अक्खा साल बच गया, वो उनके पेरेंट्स मुझे दुआई देंगे। आई फॉट लीगली, मैं कोई दादागिरी गुंडागिरी नहीं करता, तो मैं उस पे का नहीं हूँ कि आवेदन निवेदन और फिर दे धनाधन, वो विजय वर्गी करता, मैं नहीं करता, मैं प्यार से काम करता। यही चीज एक बार हुआ क्राइस्टचर्च स्कूल में, वहाँ 90 बच्चों को फेल कर दिया, वहाँ भी मल्टीपल रीजंस थे। अभी सारे रीजन मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बात खुल जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल और पूरे मैनेजमेंट का फॉल्ट था। वहाँ गए लीगल टर्म्स में, जब उनके साथ बात किया तो उनको बात समझ में आई, उन्होंने 92 स्टूडेंट्स को प्रमोट किया, उनका साल बच गया। अब फोर्स तो किसी को नहीं कर सकते हो ना कि आपको इसी टीचर के पास ट्यूशन लेना पड़े, नहीं लिया तो फेल हो गए। काफ़ी रीजंस थे, तो समझाना पड़ता है। थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, कुछ पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं अपनी बात जाके समझाता हूँ, समझ में आती है तो लो एक्सेप्ट करते हैं। थोड़ा एग्रेसिवनेस दिखाना पड़ता है, क्योंकि बोलता हूँ बोलना ना, जिसके पास बोल बच्चन है वही बनता अमिताभ बच्चन, बोलना पड़ता है। हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। पिछले 5 सालों में मॉब लिंचिंग के काफी सारे इंसिडेंट हुए हैं, हाल ही में तबलीग अंसारी का केस चर्चा में था, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, लिंचिंग पहले भी हुई है, 5 साल में बड़ी, बीजेपी जब से सत्ता में आई बढ़ गई। वजह क्या है कि बीजेपी आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है, मोदी बोलते कुछ और है, उनके लोग करते कुछ और है, होता कुछ और है। आज आप देखिए, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जिनको लोग वोट दे के चुनते हैं और पार्लियामेंट में भेजते हैं, जो टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है, क्या आप हमारी बात रखिए, वहाँ पर जब एक मुसलमान सांसद ओथ लेने जाता है तो आप नारेबाजी करते हो, वहाँ पे स्लोगनियरिंग करते हो, हुलिगनिज्म दिखाते हो, उस जगह पर जय श्री राम, भारत माता की, अब सब चिल्लाते हो। तो ये आप जैसे लोग अगर अंदर करेंगे, जो टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है, तो उसका इफेक्ट बाहर भी आता है। बाहर लोग रोक रहे टैक्सी ड्राइवर को, जय श्री राम बोले तो मारेंगे। अब झारखंड में 18 लिंचिंग्स हो गई, बीजेपी रूल स्टेट है, पूरे इंडिया के अंदर आप अखलाक खान को देख लो, अखलाक पहलू खान, सबको इसी तरह से, कभी किसी को गाय के नाम पे सस्पिशन ऑफ कैरिंग काव, उसके नाम पे पकड़ लिया। ये मॉब लिंचिंग क्या है? मॉरल पुलिसिंग। अगर आपको सस्पिशन है कि आप गलत काम कर रहे हो, आप गाय को लेके जा रहे हो, पुलिस फोर्स है, आप पुलिस को इन्फॉर्म करो, पुलिस आएगी उसको अरेस्ट करेगी। मगर यहाँ क्या हो रहा है, 100 आदमी आते हैं, वो एक बेकसूर बूढ़े को पकड़ते हैं, जवान बच्चे को पकड़ते, तेरा नाम किया, उसने बोल दिया मेरा नाम पहलू खान, तेरा नाम क्या, उसने बोल दिया मेरा नाम तबरेज अंसारी, बस उसको पकड़ के मारो, उसको बोलो जय श्री राम बोल, नहीं बोल, मारते रहेंगे जब तक मर जाता है आदमी। उसके बाद में होता क्या है, अलीमुद्दीन के केस में क्या हुआ, जब अलीमुद्दीन के कातिल बेल पे छूट के बाहर आए, तो ये बीजेपी के जो सांसद है वो उनको अपने घर में बुला के गार्लैंड करते हैं, मिठाई खिलाते, क्या मैसेज आप दे रहे हो देश में? यानी आप मॉब लिंचिंग को कम करने की जगह बढ़ावा दे, और मोदी जी सिर्फ लिप सिंकिंग कर रहे हैं। अरे आप एक्शन लो, स्ट्रिक्ट लॉज इंप्लीमेंट होने चाहिए इस तरह, तब जाके मिनेज कम होगा, वरना अब तो बॉम्बे में भी शुरू हो गया, 2 जन का हो गया। मैंने असेंबली में भी इसको उठाया, रस्ते पर भी हम खड़े हुए कि भाई हमको मॉब लिंचिंग के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा सरकार को, वरना किसी के साथ भी हो सकता है, इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी। आपके साथ कभी हो सकता है, कभी आप जा रहे हैं, किसी ने कह दिया कि आपका नाम क्या है, आपने कह दिया कि मेरा का नाम कोई अरे खान है, तो जय श्री राम बोलो, मारेंगे, नहीं बोलेंगे तो मारेंगे। आज इंडिया का नाम मॉब लिंचिंग की वजह से यूनाइटेड नेशन में क्या हो गया, वहाँ पे इसकी चर्चा हो गई कि माइनॉरिटीज के लोगों को मारा, और एम्पिरिकल डेटा है कि 94% जो मॉब लिंचिंग के विक्टिम है वो मुस्लिम्स और दलित से, डेटा तो रॉन्ग नहीं है ना। तो आप एक कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह का हेट्रेड फैलाओगे तो फिर हमारा सेक्युलर फैब्रिक जो देश का है वो नष्ट हो रहा है। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी कंट्री, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, लेट द रूल ऑफ लॉ प्रिवेल, दे आर टेकिंग लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स,
लॉलेसनेस हो जाएगा हमारा देश। कानून अपने हाथ में लेके आप 100 आदमी, अब कल को कोई आ गया बोला मारूंगा तेरा, नाम क्या, किसने बोल दिया, नॉन मुस्लिम, फिर उसको अल्लाह अकबर बोल, नहीं तो मारेंगे, कहाँ जाएगा फिर ये, तो ट्रेंड रुकने वाला नहीं है। तो अगर सरकार इसमें सीरियस है तो इमीडिएटली सरकार को स्ट्रिक्ट स्टेप, सिर्फ जुबान खर्चा नहीं करना है, लॉ फॉर्म करके मॉब लिंचर्स को जेल में डालो, नॉन बेलेबल ऑफेंस करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चलाओ, और मिनिमम इम्प्रिजनमेंट शुड बी लाइफ। ऐसा आप स्ट्रिक्ट कानून बनाओगे तब जाके अकल ठिकाने, तब जाके अकल ठिकाने आएगी। दो सवाल और ले लेते हैं। हाँ, नागपुर और मेजबान एरिया में ट्रैफिक जाम का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसको सुधारने के लिए एमएलए पार्टी क्या कर रही है? ट्रैफिक का प्रॉब्लम पूरे बॉम्बे में है यार, क्योंकि मैं बायकल्ला में हूँ, नागपाड़ा मेरे बाजू में पड़ोसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो यहाँ ही नहीं है, पूरे बॉम्बे में ट्रैफिक। और या फिर बायकल्ला के एक आम सिटीजन को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर आपने देखा होगा बाइक कहीं भी लगा दी अपनी मर्जी के मालिक है और टैक्सी का हॉर्न मार रहे तो उल्टा टैक्सी वाले को बोल देते हैं। देखो यहाँ पे जो बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं वो लोग अपनी बाइक्स रास्ते पे पार्क करते हैं, अब इतने सारे लोग हैं, गलियां उतनी ही छोटी है, ये आबादी बढ़ गई, गलियां उतनी ही रह गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा नहीं, गाड़ियां बढ़ गई, तो आज ट्रैफिक का प्रॉब्लम तो होगा, क्योंकि आज हर घर के अंदर एक गाड़ी है, एक मोटरसाइकिल है, इंसान वो रास्ते पर पार्क करता है। तो हर इंसान अगर ये जवाबदारी ले ले अपने सर पर कि मैं पार्क करूँगा मगर मेरी पार्किंग के वजह से किसी और को तकलीफ नहीं हो, ऐसी जगह लगाऊंगा तो किसी को तकलीफ नहीं आएगी, वरना ट्रैफिक पुलिस हो या वारिस पठान हो या सब मिलकर भी अगर कोशिश करेंगे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि व्हीकुलर ट्रैफिक है, पब्लिक है, आप सबको घर में तो नहीं बिठा सकते हो ना, रास्ते में ट्रैफिक है, ट्रेन में रश है, बसें भरी हुई है, तो इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन भी है, लोग बाहर से भी यहाँ पर आके रहते हैं, मुंबई नगरी है, ड्रीम सिटी, लोग आते हैं यहाँ पर अपना नसीब आजमाने के लिए, तो यहाँ पर पब्लिक है। और करे सरकार अगर चाहे एक प्रॉपर टाउन प्लानिंग का फॉर्मूला अगर यूज़ करे तो दे कैन ट्राई टू अवॉइड, अब वो भी ऑड्स एंड इवेंस भी करने के अंदर सरकार तैयार नहीं है, वो भी शायद दिल्ली में भी नहीं चला, वो भी नहीं हो सकता, कार पुलिंग भी नहीं चल रहा है कि एक गाड़ी में 4 आदमी लेके चले जाओ, ओला उबर आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना सुधारना, और आम नागरिक को भी चाहिए ट्रैफिक डिसिप्लिन फॉलो करे, सिग्नल है सिग्नल पे रुक जाओ, लेन क्रॉसिंग बराबर होना चाहिए, तो अगर ये प्रॉपर रूल्स आप फॉलो करो जैसा लंदन के अंदर होता है तो कुछ हिसाब तक हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकें, बिल्कुल कम हो सके। फर्स्ट और सेकेंड जुलाई को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी जिसकी वजह से एक मूवमेंट रुक सी गई थी, तो रोड्स ब्लॉक थे, ट्रेन स्लो चल रहे थे, काफ़ी ट्रेन बंद हो गए थे, बस लेट चल रहे थे, इस मसले को कैसे सुलझाना चाहिए, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, लेकिन 2.5 घंटा हो गया, ट्रेन आ ही नहीं रही। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट है 31,000 करोड़, ये जो बजट है ये बहुत सारे स्टेट से ज़्यादा बजट है मुंबई के, 31,000 करोड़ का बजट होने के बाद बीजेपी और शिवसेना इसको रूल कर रहे कॉरपोरेशन को कई सालों से, शिवसेना सत्ता में, मानसून के पहले हर मर्तबा ये लोग बोलते हैं कि हमने पॉटहोल्स भर दिए, ड्रेनेज क्लीन कर दिया, नाला साफ कर दिया, मगर पहली ही बारिश में सब भर जाते, रेलवे फ्लडेड, रोड्स फ्लडेड, स्कूल में जाने के लिए तकलीफ, हॉस्पिटल पहुंचने के लिए तकलीफ, रास्ते पे जाने के लिए तकलीफ, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी पे। ये जो भ्रष्ट कर्मचारी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है, जब तक सरकार इनको अरेस्ट कर करके जेल में नहीं डालेगी तब तक ये रुकने वाला नहीं है। आपको जो जॉब दिया है वो आप डिलीजेंटली नहीं करते, वजह क्या है, क्यों लोग ऐसा बोलते हैं कि मुंबई के रस्तों पर खड्डे नहीं है, मुंबई में खड्डों पर रस्ते बना दिए, अभी जो बड़ी कंपनीज है मुंबई में भी रास्ता बनाती है, दुबई में भी बनाती है, सिंगापुर में भी बनाती है, वहाँ क्यों रास्ते एकदम चिकनी सपाट सड़कें बोलते हैं, क्योंकि वहाँ अकाउंटेबिलिटी है, अगर कॉन्ट्रैक्टर ने मिस्टेक किया तो उसको पकड़ के जेल में डालेंगे, लाइफ लॉन्ग के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर जेल में जाता है, बाहर आके सिस्टर कंसर्न के नाम से टेंडर फ्लोट करता है और उसको गवर्नमेंट टेंडर पास करती है, तो ऐसा ही होने वाला है।
सीरियसनेस शुड कम फ्रॉम द गवर्नमेंट और टाउन प्लानिंग प्रॉपरली से अगर करेंगे मुंबई में तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की आपघात नहीं होगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है जैसा लोगों ने बोला मलाड़ में वॉल कोलैप्स हो गया 26 लोग मर गए वो इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा था। जब मैंने सवाल मैंने बोला अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो शिवसेना और बीजेपी की सरकार सत्ता में आप इसको रोकते क्यों नहीं हो? आप रोको इलीगल कंस्ट्रक्शन तो ये नहीं होएगा। आप इंसान की जान चलेगी उसके बाद आप आके 5 लाख रुपया दे दोगे उसको कंपेंसेशन तो उससे तो उसकी जान तो वापस नहीं आने वाली। आपको लोगों ने मैंडेट दे के असेंबली में भेजा है ताकि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म करो। आप प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहे उसको। ये भ्रष्ट कर्मचारियों को पकड़ो, जो भ्रष्ट बिल्डर है उनको पकड़ो, अरेस्ट करके जेल में डालो। ये बीएमसी कर्मचारी के कनाइवेंस के बिना कोई बिल्डर आके काम नहीं कर सकता है। सीएम साहब ने आना बोला उस दिन में जब मैं असेंबली में बोला कि नहीं इमीडिएट 48 आवर्स के अंदर एक्शन लेंगे और उनको जेल में डालेंगे। कानून बनाना पड़ेगा, जेल से बाहर आ जाएगा फिर करेगा। प्रॉपर प्लानिंग अगर हो, प्रॉपर मैनेजमेंट अगर करे तो ये डिल्यूज से बच सकता है मुंबई। जब रत्नागिरी का डैम का लोगों ने 2 दिन पहले बोला था कि क्रैक्स है, पर आपने उसके ध्यान नहीं दिया। आज कितने लोगों की जानें चली गई। तो बाद में आके 5 लाख रुपया देने से जान नहीं आ जाएगी। अगर सरकार सीरियसनेस दिखाए तो दे कैन प्रोवाइड प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स फॉर एन इंडिविजुअल लिविंग इन द स्टेट ऑफ दुबई हो जाएगी। शंघाई तो बनाने वाले थे मगर बना तो नहीं। अब ये मोदी का न्यू इंडिया है जिसमें हम रोज देखते हैं आवेदन निवेदन दे धनाधन। किस दिन कोई लड़का बैट लेके बीजेपी वाले का मार रहा है तो कांग्रेस का MLA रस्ते पे उसको पूरा पूरा पानी डाल रहा है कीचड़ वाला। ये न्यू इंडिया का एग्जाम्पल चल रहा है अभी देश में। रोको इसको, ये रुकना चाहिए। आपकी दुआ रही तो इस बार इंशाल्लाह अच्छी रीत से जीतेंगे। काफ़ी लोगों की मोहब्बत है, लोगों ने प्यार दिया, काम किया है लोगों का, दिलो जान से काम किया है। और RTI से लोगों ने निकाला था तो भी बोले वारिस भाई वाकई में काफ़ी फंडिंग दिया है बिल्डिंगों में, हर चीज़ से लोगों ने हर चीज़ से लोगों के बीच में रहे, लोगों का काम किया, उनकी आवाज़। जो मैंने बोला था कि मैं आपकी आवाज़ बन के जाऊँगा असेंबली में, मैंने हर मुद्दे पर इनकी आवाज़ उठाई, सरकार से क्वेश्चन किया और कुछ हद तक कामयाबी मिली है। काफ़ी काम हुआ है, कुछ काम बचा है, इंशाल्लाह इस बार वो भी काम कंप्लीट करेंगे। जीत किया है कि इंशाल्लाह ने चाहा तो ज़रूर काम। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आमीन आमीन, जीत गए, बहुत बहुत शुक्रिया।